सर्किट करा उस पर निकालो, आपकी आरटीएच की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। मैं कैलकुलेट करके भी दिखा रहा हूँ दोनों सर्किट से, ठीक है, देखिएगा। सो अवर सेकेंड स्टेप इज फाइंडिंग आरटीएच। सो आरटीएच को मैं देखिए दोनों जो फिगर है उनसे निकाल के दिखा रहा हूँ। पहले मैं इस फिगर से कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। आरटीएच निकालते समय जो वोल्टेज सोर्स है वो शॉर्ट हो जाएगा और जो करंट सोर्स है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो देखिए मैं दोनों को अप्लाई कर रहा हूँ, शॉर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 ओम, ये हो गया आपका 3 ओम, और अगले की मैं बात करूं तो ये हो गया ओपन, और यहां पर आपका जो लगा हुआ था दैट इज 3 ओम, यही लगा हुआ था ना। सो दिस इज योर सर्किट दैट इज ऑल्सो 3 ओम। सो मैं कैलकुलेट करता हूं यहां से आरटीएच। देखिए अगर यहां से मैं देखूं तो आरटीएच मुझे चाहिए वहां पर इस पॉइंट पर, तो आरटीएच ये दोनों जो है आरटीएच जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में और इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंस जो है अगर पैरेलल में लगे होंगे तो आंसर इज हाफ। सो योर आंसर बिकम्स 1.5, यहां तक तो इट इज 1.5। नाउ इसके बाद देखिए मैंने कहा था जो ओपन रेजिस्टेंस है उसको रेजिस्टेंस कैलकुलेशन से हटा दीजिए, जस्ट रिमूव दैट, देन योर सर्किट बिकम्स लाइक दैट। जो सब बना हुआ है मैं एग्जैक्टली वैसे ही बना दे रहा हूं, ठीक है यहां तक। So this is your 3 ohm and this is your RTH. So your RTH becomes 4.5. RTH is 4.5 ohm. ठीक है यहां तक। So मैं आंसर तो यहां मार्क कर दे रहा हूं, बट मैं नेक्स्ट जो मैंने कहा था वो मैं अप्लाई करूंगा। सो RTH इज 4.5 ohm। तो बढ़ते हैं इस डायग्राम की तरफ। अगर इस डायग्राम की तरफ बढ़े तो मैं इस डायग्राम को मिटा दे रहा हूं जिससे कि मैं इसकी कैलकुलेशन सही से कर पाऊं। देखिए सो कैलकुलेशन देखिए आगे इसकी। सो अगर मैं इसकी बात करूं, देखिए सो इस डायग्राम में अगर मैं आपको आरटीएच निकाल के दिखाऊं तो योर वोल्टेज सोर्स इज शॉर्ट एंड योर दिस रेजिस्टेंस इज 3 ओम, दिस रेजिस्टेंस इज आल्सो 3 ओम, एग्री, एंड दिस रेजिस्टेंस दिस बिकम शॉर्ट एंड दिस रेजिस्टेंस बिकम थ्री। होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग इट इज आरटीएच। नाउ अगेन देखिए डायग्राम तो वही बना ना, 3 एंड 3 आर इन पैरेलल दैट इज 4.5 एंड 4.5 इज इन सीरीज विद योर सॉरी 3 एंड 3 आर इन पैरेलल दैट गिव्स यू 1.5 एंड 1.5 इज इन सीरीज विद 3। सो आई एम अगेन ड्रॉइंग द डायग्राम, देखिए यहां तक कितना हो जाएगा। सो योर डायग्राम बिकम्स दिस इज 1.5 एंड दिस इज योर 3 ओम। So this is your RTH and RTH both are in series that is 4.5। So मैंने कहा था ना कि चाहे आप किसी भी तरीके से निकाले आप कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे आपका आंसर 101% आ ही जाएगा। तो मैंने दोनों मेथड से आपको बता दिया कि RTH कैसा आएगा, सेम आएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी पहले तो हमें हाँ इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ करना है, तो पहले इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सो RTH, so this is your VTH and this is your RTH, and VTH is how much you have 9 volt and RTH is how much 4.5 volt and this is the reduced terminal AB। so अब हम अपना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल दैट इज फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। सो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में जो भी VTH है वो हम कई तरीके से निकाल सकते हैं, वो कैसे निकालेंगे देखते हैं, जिससे कि आपके जो जितने भी पुराने मेथड है वो आपको रिवाइज हो जाए, ठीक है। सो लेट स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट दैट इज VTH, बिकॉज लोड इज ऑलरेडी रिमूव्ड बिकॉज दिस टर्मिनल इज सपोज ए एंड दिस टर्मिनल इज B. So let's start now. Now the first method I want to tell you in the finding VTH, that is mesh first. I just tell you the method number first, that is mesh. Okay. So let's start the mesh analysis for this question. So this is your 4 ampere. This is your 6. And this is your also 6, this one is 4, and this is your VAB, that is A here, B here, and this is plus, this is minus. Now in the first method I want to tell you that we are taking the
mesh analysis. We have two meshes, the mesh number one and then mesh number two. Don't take the mesh side because it's an open path. So in open path, we don't have any current. So please keep in your mind that we have clear concept of mesh analysis. Now, अब अगर आपको याद हो हमने मैश के रूल पढ़े थे, अगर किसी एक मैश में एक करंट सोर्स आ जाएगा तो अगर वो करंट सोर्स जो है हमारे अजम्पशन के अकॉर्डिंग हो, दैट इज अगर हमारा अजम्पशन है अगर उसी के अकॉर्डिंग होगा तो हमारी करंट वही हो जाएगी, और अगर अपोजिट होगा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी. सो इन दिस क्वेश्चन आवर आई वन इज 4 एम्पियर, सो आवर फर्स्ट वर्क इज रिड्यूस्ड. एग्री? सो आवर आई वन इज 4 एम्पियर. नाउ our task is to find now I2. If we find the I2, then we will have the VAV or the VTH. So just finding the second current. Now second current I'm finding here. So I'm applying the KVL in the second loop. KVL to mesh second. KVL to mesh second. So KVL to mesh second means minus 6 I2, minus 4 I2, minus 6. Now you are having the common 6 ohm resistance that between the mesh 2 and between mesh 1. So when you are working on mesh 2, your current 2 is higher with respect to the current first. So it is 6 I2 minus I1 equals to 0. Clear hai yahan tak? So minus 10 I2 minus 10 I2 minus 6 I2 plus 6 I1 equals to 0. Clear hai? So minus 16 I1 equals to minus 16 I2, sorry I2 hai, plus 6 I1 equals to 0. Now from that 6 I1 equals to 16 I2. Now I1 equals to 16 upon 6 I2. अगर मैं इसे 2 से divide कर लो तो क्या आएगा भाई, सब देखते हैं. 6 4 10 और 6 16, very good, ठीक है. So it is 8 by 3 I2 because 2 3 is 6 and 2 8 is 16. Okay, this is your relation. Now अब मुझे चाहिए I2. So I2 is what? I2 is 3 I1 upon 3 I1 upon 8. So how, what is your I2? Oh sorry, I1, 3 into I1 is how much? 4 divided by 8. So 2 is a, so 4 2 is 8 and it is 1.5 ampere. So your I2 is how much? 1.5 ampere. Now if your I2 is 1.5 ampere, then your VTH should be equals to 4 I2, and 4 into I2 is what? 1.5. So 15 4 just 60, that is 6 volt is your answer. So from the first method I am having the your VTH is 6 volt. Agree? So let's start the second method. देख लीजिए अगर आपको कोई डाउट हो उसमें, ठीक है. सो अब मैं इसकी बात कर रहा हूं सेकंड मेथड की, ठीक है. सेकंड मेथड देखते हैं क्या होगा. सो लेट्स सी द सेकंड मेथड. नाउ आई एम जस्ट रिमूविंग द मैश कॉन्सेप्ट, सो वी विल हैव द नेक्स्ट मेथड. ओके, सो अगर मैं बात करूं अब इस क्वेश्चन में सेकंड मेथड की, तो मैं सेकंड मेथड में ड्रॉ मैं फाइंड करना चाह रहा हूं नोडल से. पहले मैं नोडल से बताऊंगा आपको, देन वी हैव आई हैव आल्सो थर्ड मेथड इन माय माइंड, मेथड नंबर 2, दैट इज मेथड नंबर 2, नॉट द स्टेप नंबर 2. सो मेथड नंबर 2 दैट इज नोडल. ओके, सो इन द नोडल, इन द नोडल वी हैव टू वोल्टेज, दिस इज V1 एंड दिस इज योर V2. सो बट V2 इज इक्वल्स टू VAV और VTH, ठीक है. हमारा टास्क भी यही है कि जल्दी से जल्दी हमारा क्या मिल जाए, VTH, और वो सही मिल जाए. जल्दी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गलत मिल जाए, ठीक है. सो VTH फाइंड करते हैं. नाउ अप्लाइंग द KCL एट नोड 1, KCL एट नोड 1. सो अगर मैं नोड 1 पे KCL की बात करूं, सो माइनस 4 प्लस V1 अपॉन 6 प्लस V1 minus V2 divide by 6 equals to 0. Check कर लीजिए, 1 element, 2 element and 3 element. So we have 3 expression. So गलती होने के चांस कम रहेंगे आपसे. So I'm just taking LCM and LCM मेरी कोई जरूरत नहीं. So 2V1 minus V2 equals to 4, इधर का जाएगा तो plus and 6 multiply होगा तो 24, sorry 24, the equation number 1.
अब हम बात करते हैं KCL एट नोड टू, KCL एट नोड टू, ठीक है। सो KCL अगर नोड टू की मैं बात करूं तो हमारे पास जो है V2 डिवाइड बाई 4 प्लस V2 माइनस V1 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 0। अगर LCM की मैं बात करूं तो LCM मुझे लेना पड़ेगा कितना, ऊपर मैं ले रहा हूं यहां पर LCM मुझे लेना पड़ेगा 12, और जैसे मैं 12 LCM लेना पड़ूंगा मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहां 3 से, और इधर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो 2V2 माइनस 2V1 इक्वल टू 0, ठीक है यहां तक। सो है हो, देखते हैं क्या होगा, 3 और 2 5, इसको सही से लिख लेते हैं, माइनस 2V1 प्लस 5V2 बराबर 0, और अगर मैं सही से बात कर लूं तो मेरे पास 2V1 बराबर 5V2, ठीक है। सो V1 बराबर आ गया 2.5V2। इक्वेशन नंबर सेकंड, नाउ सॉल्विंग द इक्वेशन नंबर सेकंड, एंड वेयर इज फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट, सो आई एम सॉल्विंग दीज टू इक्वेशन एट दिस पॉइंट। सो जस्ट क्या करते हैं हम लोग, V1 की वैल्यू पुट कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ V2, तो V1 एलिमिनेट हो जाएगा, और V1 एलिमिनेट हो जाएगा तो V2 आ जाएगा, वही मेरा ऑब्जेक्टिव है। सो इन द इक्वेशन दिस इज योर 2V1 माइनस V2 इक्वल टू 24, पुट दिस वैल्यू, सो 2 इंटू 2.5V2 माइनस V2 इक्वल टू 24, सो इट इज 5V2 माइनस V2 इक्वल टू 24, सो इट इज 4V2 इक्वल टू 24, सो इट इज 6, सो V2 इक्वल टू 6। देखिए क्या आंसर सेम है या नहीं है, या आंसर सेम है। सो हमने सेकंड ऑप्शन, सेकंड मेथड से भी आंसर कितना निकाल लिया, सेम। तो पहला मेथड मैंने देखा मैश, दूसरा मेथड देखा नोडल, तो ये मैंने मेथड आपको ऑलरेडी पढ़ाए थे, मैंने जस्ट रिवीजन के पर्पज से आपको यहाँ बता दिया कि आप जो पुराना मैथ सब कुछ पढ़ चुके हैं वो बहुत काम का है, और वो काम का इसीलिए क्योंकि मैंने डिटेल में इसीलिए पढ़ाया था कि आपकी थ्योरम्स में ये सारी चीजें काम आए। तो अब मैं मेथड नंबर 3 बताना चाहूंगा आपको, वीटेज निकालने का, देखते हैं मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3, सो मेथड नंबर 3 देखने क्या है, वो बहुत आसान है, बस आपको सोचना है कि आप सोच पा रहे हैं या नहीं सोच पा रहे हैं। सो करना क्या है, देखिए जरा, पहले तो इसको भूल जाइए कि ये कुछ है और मुझे यहाँ कुछ निकालना है। अगर मैं इसको भूल जाऊं यहाँ पर, तो देखिएगा ना ध्यान से, ये 4 एम्पियर का करंट सोर्स लगा हुआ है, उससे एक 6 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में और एक 10 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में, एग्री। तो करता क्या हूं मैं, मेरी करंट मेरी इधर जाएगी, एक करंट जाएगी इधर, और क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, सीरीज में है, तो सीरीज में करंट कैसी रहेगी, सेम। तो मैं मान लेता हूं ये I1 है और ये कितनी है, I2 है, सो आई एम फाइंडिंग I2, सो I2 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय अपोजिट रेजिस्टेंस 6 डिवाइड बाय द अपोजिट प्लस द सेम, अपोजिट प्लस द सेम, सेम इज व्हाट, 6 + 4 दैट इज 10, ठीक है यहां तक। सो आई एम जस्ट 4 × 6 डिवाइड बाई 6 × 10 एंड दैट इज 16, आई थिंक क्लियर है ना, यहाँ पर 6 एंड दिस इज 16, आई एम मल्टीप्लाइंग बाई 6, या ओके करेक्ट है ना। सो इट इज 4 × 4 = 16 एंड 6 × 4 इट बिकम्स 3/2 एंड 3/2 बिकम्स 1.5, agree? So this is your I2. Now what is your VTH? VTH is what? VTH is the voltage across the 4 ohm resistance. So VTH dekhen kaise nikalta hai? So your VTH is 1.5, that is I2 multiplied by 4, that is 4, so it is 6 volt. So please देखिए यहाँ पर जो हमने तीनों मेथड निकाले उनसे जो VTH आया 6 वोल्ट आया। अब मेन काम की बात क्या है, अगर आपको मेथड, कोई भी मेथड जो हमने पढ़ा है, अगर वो परफेक्ट तरीके से आ रहा है तो आप किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कीजिए, कोई भी जितना भी टफ क्वेश्चन हो आप अप्लाई कीजिए, आपका आंसर 101% आएगा। मेरा भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पर तीनों मेथड को बताने का यही था कि आप ये मत सोचिएगा कि अगर किसी बुक में मैथ से सॉल्व करा है तो आप मैथ से ही निकाले, नोडल से सॉल्व करा है तो नोडल से निकाले, आपका जो मर्जी आए मेथड, जो आपके दिमाग में क्लिक करे
वो निकालिए और जो इजी लगे आपको वो मेथड को प्रेफर करिए, बट बी परफेक्ट इन दैट मेथड्स, जिससे कि आपका आंसर गलत ना हो। तो अगला हम स्टेप के तरफ बढ़ते हैं, हमारा जो सेकंड स्टेप था, अब हम स्टेप नंबर सेकंड फाइंड करते हैं, दैट इज योर आरटीएच। देखते हैं आरटीएच क्या होगा। सो आरटीएच की तरफ देखते हैं। अब इस मेथड, इस क्वेश्चन की अगर मैं आरटीएच की बात करूं तो आरटीएच तो बहुत इजी होगा, क्योंकि आरटीएच निकालते समय करंट सोर्स क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और ओपन हो जाएगा तो डायग्राम ये बनेगा। देखते हैं, दिस इज योर सिक्स, दिस इज योर सिक्स, दिस इज योर फोर, एंड दिस इज योर आरटीएच। एग्री? So this is the diagram related to your RTH calculation. Now, अगर RTH अगर आपको याद हो तो RTH निकालते समय मैंने क्या बताया था, RTH निकालते समय जितना भी ओपन वायर है इसको प्लीज हटा दीजिए, इससे आपको कोई दिक्कत महसूस ना हो। बट ये ध्यान रखिए आपकी कॉपी या ब्लैक, अगर आपके पास ऑफलाइन पेपर है तो ऑफलाइन में आप वहां रिमूव नहीं कर सकते, जस्ट रिमूव इन योर माइंड सो दैट यू कैन गेट योर आंसर वेरी वेरी फास्ट। नाउ यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये दोनों 6 ओम जो है वो दोनों कायम है, सीरीज में है, सीरीज में है, और अगर ये सीरीज में है तो इनका आंसर होगा 12 ओम। अगर ये 12 ओम में है तो अगर मैं रिड्यूस डायग्राम देखूं तो ये बनेगा मेरा, दिस इज योर 12 ओम, दिस इज योर 4 ओम, एंड दीज आर इन पैरेलल। सो इफ दीज आर इन पैरेलल देन आरटीएच इक्वल्स टू 12 इनटू 4 डिवाइड बाय 16। So, अगर ये मैं बात करूं या 16 4 4 जा इट इज 3 ओम। नाउ योर इक्विवेलेंट सर्किट बिकम्स इन अ थर्ड स्टेप इज व्हाट, थर्ड स्टेप की अगर मैं बात करूं तो थर्ड स्टेप क्या हुआ, हमने वीटीएच निकाल लिया था, वीटीएच कितना आया था हमारा 6 वोल्ट आया था, अगर मैं आरटीएच की बात करूं तो कितना आया था 3 ओम आया था, सो इट इज 3 ओम। नाउ दिस इज योर टर्मिनल ए एंड दिस इज योर टर्मिनल बी, सो दिस इज योर Thevenin's equivalent circuit of that particular question. तो hopefully आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। एक और question कर लेते हैं Thevenin's theorem पर, देखते हैं क्या है। So let's see the Thevenin's theorem, last question. So this is the last question related to the Thevenin's theorem. So question आपका है, is 20, it is 10, it is also 10, and this we have to find the VTH. Okay, so your sorry, this is your A and this is your B. Okay, so in this question we have to find the VTH and RTH. Now here load is already removed, when load is already removed we have to find what, VTH first step. Now अब इस question में भी जो VTH है मैं कई तरीके से बता दे रहा हूँ आपको, जिससे कि आपको जो concept है clear रहे। तो first method जो है VTH को find करने का, देखिएगा मैं यहां पर बता रहा हूं, तो VTH को निकालने का मेथड नंबर फर्स्ट, मेथड नंबर फर्स्ट, अगर मैं मेथड नंबर फर्स्ट की बात करूं तो मेथड नंबर जो फर्स्ट है मेरा वो देखिएगा वो है वोल्टेज डिवीजन रूल। सो मेथड नंबर वन है वोल्टेज डिवीजन रूल। तो VTH इक्वल्स टू 20 इंटू 10 डिवाइड बाई 10 प्लस 10 दैट इज 10 वोल्ट, द मेथड नंबर वन अकॉर्डिंग टू द voltage division rule. Now according to the method 2, if you have the nodal analysis then VTH minus 20 divide by 10 plus VTH upon 10 plus 0 equals to 0, that is the nodal. So agar main LCM lena chahun, so VTH minus 20 plus VTH equals to 0, so 2 VTH equals to 20, so VTH equals to 10 volt. Now next method अगर मैं बात करूं तो method number जो 3 है मेरा, आप simply क्या करिए, आप KVL लगा लीजिए closed loop में, so it is 20 minus 10 I1, 10 I minus 10 I equals to 0, from that I equals to what,
1 ampere. Now VTH is across what? 10 ohm. So VTH equals to 10 into I. So it is 10 into 1, that is 10 volt. Agree? So now second step is what? Finding RTH. So RTH nikalne ke liye kya karna hai? Isko short kar dete hain. And this is your 10, this is your 10. So your RTH is half, kyunki dono resistance parallel mein aur parallel mein equal resistance hote hain, to answer hota hai half. So half ho gaya. So your Thevenin circuit kya ho jayega? Aapka Thevenin jo circuit hai wo ho jayega VTH aur ye raha aapka RTH. क्योंकि 5 ओम आया और VTH कितना आया? 10 वोल्ट. सो दिस इज अबाउट द थेवेनिन थ्योरम. डन. सो अब तक हमने थेवेनिन थ्योरम के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और ये हो गई आपकी कंप्लीट थेवेनिन थ्योरम.